एक परिवार में एक काम करने वाली महिला है जो उस घर में नौकरानी का काम करती है। वह उस घर के सारे काम जैसे कि साफ सफाई, कपड़े धोना, सफाई करना, प्रेस करना, बच्चा संभालना जैसे काम करती थी। उसकी मेम साहब ने उसे आज छुट्टी नहीं दी। मैडम उसे प्रेस करने के लिए साड़ी देती है जिसे वह प्रेस करते समय सेल्फी लेते हुए जला देती है। साड़ी प्रेस हो गई क्या? आहो ताई, तुम्हारी साड़ी। कांता भाई, तुमने मेरी साड़ी पूरी खराब कर दी। अब मैं आज के स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी में क्या पहनूंगी? मैं सिस्टर को क्या जवाब दूंगी? आइडिया ताई, तू इसकी फोटो सिस्टर को व्हाट्सएप कर दे और खुद की साड़ी पहन जा। सबसे सुंदर तो तू ही लगेगी। हाय मेरी प्यारी कांता बाई, तू ना ये ले आलोक बाबा का और इसका घर का ख्याल रखना। कांता भाई, तुम कहो तो रुक जाओ। नहीं साहब, मेरा मतलब ये नहीं था। जब तक मैडम आ रही है तब तक आलोक पापा के साथ इधर ही रहेगी। मैडम मैडम मैडम, मैं तो चला काम पर, तुम रहो अपने आलोक बाबा के साथ और अपना हीरोइन बनने का सपना छोड़ दो। कैसा आदमी है रे, बीबी बच्चा नहीं दिखता। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, पैसा के खातिर काम करना पड़ रहा है। मैं तो हीरोइन बन के ही रहेगी। बोर हो रही है मैं, थोड़ा टीवी देखती है। मजा नहीं आ रहा। कंगो एंड गैंग को बुलाती है। कैसा रे गंगू, घर पर आ जा, पार्टी शार्टी करती है, क्रिसमस का टाइम है। घड़ी घड़ी तुझे दौड़ी दौड़ी तुझे शोभ दे पुकारे।
का सारा लेखन पेड़ों के आगे पच्चन बना देना सब डॉलर चढ़ाऊंगी बदले में हीरोइन मुझे बना देना सब डॉलर चढ़ाऊंगी बदले में चलकर रानी जाऊं या गाड़ी क्या मेरा क्या चलकर अरे तो जब वाली लेंस लगी है बिकॉज़ जब मेरे रंग आई
ताई जल्दी इधर आ जा। हाँ। ओ कांता भाई मैं बिजी हूँ पार्टी में, तुम और आलोक बाबा अपने आप देख लो, मैं नहीं आ सकती। अरे कांता भाई कितनी बार कहा है जब ऑफिस में रहूं तो डिस्टर्ब नहीं करो। कितना गिरोगे लूसिफर, इंसान की इच्छाओं को जानकर तुम उन्हें इस हद तक कैसे प्रभावित कर सकते हो? शांत जर्मियल शांत, शैतान में हूँ और चिल्ला तुम रही हो, नॉट फेयर जर्मियल। यही तो है आदर्श परिवार, अपना परिवार संभालने के लिए काम में व्यस्त रहना। हे प्रभु मैं तो थक गया, अब घंटे भर के कार्य को करते करते 3 दिन बीत चुके हैं, कहां से आप मैं आपका आदर्श परिवार ढूंढूं? फादर जेसु अमृतम, आदरणीय अति विशिष्ट अतिथि सिस्टर भव्य, प्रोविंशियल सुपीरियर ऑफ शांतिधार प्रोविंस, श्रद्धेय फादरगण, सिस्टरगण, माता पिता वासुदेव, मेरे प्यारे भाइयों और बच्चों, आज हम सब प्रबंधक शिक्षकगण एवं समस्त छात्र छात्राओं के साथ मिलकर अपने छोटे से विद्यालय के प्रांगण में अपना 38वां वर्ष की वार्षिकोत्सव मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। अब मैं अपने विद्यालय के संक्षिप्त इतिहास, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों से आपको परिचित कराना चाहिए। होली फैमिली विद्यालय पावी की आधारशिला माननीय स्वर्गीय बिशप पैट्रिक नायर जी द्वारा 23 जुलाई 1985 में रखी गई। हमारे विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय फादर फ्रेडरिक रोसारियो ने बिशप स्वामी जी से प्रेरणा पाकर इस निर्जन स्थान पर जहां सब सुविधाओं का अभाव था, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े अवगिसित क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान एवं शिक्षा की ज्योति प्रदान करने के लिए होली फैमिली विद्यालय पावी में एक छोटा सा शेड में स्कूल की शुरुआत हुई। पॉली फैमिली समाज की बहनों ने
शिक्षा की ज्योति को फैलाने संपूर्ण योगदान प्रदान किया। विकास ताकि वह भौतिक शारीरिक एवं आत्मिक रूप से विकसित हो। इस विद्यालय के माननीय संस्थापक स्वर्गीय फादर फ्रेडरिक रोजारियो ने कठिन परिश्रम एवं प्रयासों को स्वर्गीय फादर फोस्टिन पिंडोची ने सही दिशा देकर, स्वर्गीय फादर फ्रांसिस अगस्टिन जी ने नया विद्यालय भवन के निर्माण द्वारा, फादर जोस मैथ्यू, स्वर्गीय फादर सैमुअल थॉमस, फादर क्लस्टन, स्वर्गीय फादर दमासिस, फादर वर्की एस जे, फादर स्टीफन इसराइल तथा स्वर्गीय फादर जूलियस कुंगाड़ी प्रबंध के रूप में अपने समय पर अनुशासन पर विशेष ध्यान देकर स्कूल को आगे बढ़ाया। विद्यालय की प्रथम प्रधानाचार्य आदरणीय सिस्टर होस्टिया ने इस विद्यालय को एक नई दिशा एवं मार्गदर्शन दिया। उनके ही पदचिन्हों पर चलते हुए अन्य प्रधानाचार्यों ने शिक्षा एवं ज्ञान रूपी ज्योति को प्रसार हेतु अथक प्रयास किए। 2004 में स्कूल की स्थायी मान्यता प्राप्त की तथा विद्यालय के संपूर्ण अध्यापकों ने इस पुनीत कार्य में अपने पूर्ण योगदान दिया है। आज विद्यालय में 347 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान प्रबंधक श्रीदेव फादर मरिया जॉन बिनोजी बच्चों एवं विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करते रहते हैं। यह अनुशासन प्रिय है। अपने प्रेम भरे व्यवहार के कारण वह समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों को अत्यंत प्रिय है। इस वर्ष विद्यालय का शैक्षणिक चक्र 3 अप्रैल 2023 को आरंभ हुआ। विभिन्न विषयों के ज्ञान के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का विद्यालय में समय समय पर आयोजन किया जाता है। इसलिए समस्त छात्र छात्राओं को 4 समूहों में ब्लू हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस में बांटा गया है ताकि बच्चों में प्रतियोगिताओं एवं प्रतिसंकी की भावना जागृत हो सके। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। कई वर्षों से हमारे छात्र छात्राएं कबड्डी, खो खो, लंबी कूद एवं सामूहिक नृत्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर प्राप्त किए हैं। छात्र छात्राओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस का अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छात्र छात्राओं में धार्मिक, सामान्य एवं सब धर्म के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करने के लिए दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि धार्मिक पर्व बहुत ही उत्साह एवं भाईचारे के भावना से मनाए जाते हैं। पढ़ाई में कमजोर बच्चों की सहायता हेतु स्पेशल ट्यूशन रोजाना प्रदान की जाती है। हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं निस्वार्थ भावना के साथ सभी छात्र छात्राओं के शैक्षणिक, आत्मिक एवं शारीरिक विकास हेतु पूर्ण रूप से अपनी सेवा प्रदान करती है। हमारे विद्यालय में गरीब अनाथ बच्चों की सहायता हेतु होली पवित्र बालकपन दिवस विशेष दिवस में विशेष मेला फूड कॉर्नर की आयोजन करते हैं।
इससे बच्चों की गरीब एवं प्यार और मदद करने की इच्छा उत्पन्न होती है। विद्यालय में बच्चों का संपूर्ण विकास का ध्यान रखते हुए सामान्य प्रश्नोत्तरी, स्पेलिंग कंपटीशन, इंग्लिश और हिंदी भाषण की प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिता भी होती है। आज तक इस स्कूल में 4060 बच्चे ने शिक्षा प्राप्त की। प्राइमरी शिक्षा बच्चों के जीवन का आधारशिला है, यही पर उनके जीवन की बुनियाद रखी जाती है। इसलिए हमारे विद्यालय की यही कोशिश रहती है, हम इन छात्र छात्राओं को सही दिशा एवं मार्गदर्शन देकर इन्हें भारत देश के योग्य नागरिकों के रूप में तैयार करें। अब अपने स्कूल में CCTV, RO वाटर कूलर, 24 घंटे की बिजली सोलर द्वारा, 14 कंप्यूटर की लैब, डांस कोचिंग, प्री प्राइमरी में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, TV की सुविधाएं भी दी जाती है। बच्चों की सर्वांगन उन्नति के लिए प्रदान किया, साथ ही साथ यह हमारे विद्यालय का 38वां वर्ष की वार्षिकोत्सव मनाते समय जो सबके परिश्रम की परिणाम है। हम सब मिलकर भविष्य में भी आपसी सहयोग एवं भाईचारे की भावना से कार्य करते हुए इस विद्यालय को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का निरंतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अच्छा पढ़ते हैं तो इनाम भी मिलता है। चलो इस बार देखते हैं किस किस को इनाम मिलेगा और कौन कौन देने जा रहे हैं। हाँ चलो देखते हैं आगे। अब समय है हमारी विद्यालय की पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 के शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण का। इसके लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारी आज के मुख्य अतिथि शबे फादर यीशु अमृतम जी को। कृपया करके जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बाईस के कक्षा नर्सरी से फर्स्ट पोजिशन गोज टू मोहम्मद रजा, फादर से मोहम्मद मूसा। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। तालियां बजाते रहिए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। थर्ड पोजीशन गोज टू उमेश, फादर्स नेम नौशाद। फर्स्ट पोजीशन गोज टू आयत, फादर्स नेम मोहम्मद सगीर। कृपया करके तालियां बजाइए, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। सेकंड पोजीशन गोज टू ज़ैनब, फादर्स नेम मोहम्मद मूसा।
अजमल, फादर्स नेम परवेज। अब बारी है पिछले वर्ष की कक्षा यूकेजी की। फर्स्ट पोजीशन गोज टू अलीशमा, फादर्स नेम शमीर। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। सेकेंड पोजीशन गोज टू आर्या प्रवीण, फादर्स नेम मोहम्मद असलम। थर्ड पोजीशन गोज टू अंशुमन, फादर्स नेम दिनेश कुमार। अब बारी है 2022-23 सत्र के कक्षा एक की। फर्स्ट पोजीशन गोज टू अरफा, फादर्स नेम मोहम्मद असलम। सेकेंड पोजीशन गोज टू स्नेहा, फादर्स नेम गजेंद्र सिंह। आप सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। थर्ड पोजीशन गोज टू रिजवान, फादर्स नेम अकरम। अब बारी है पिछले सत्र की कक्षा दो की। फर्स्ट पोजीशन गोज टू वेलू कुमार, फादर्स नेम राजेश दास। सेकेंड पोजीशन गोज टू अंशु, फादर्स नेम कुलदीप। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। मोहम्मद शाहिद, फादर्स नेम मोहम्मद सबीब। अब बारी है पिछले वर्ष की कक्षा तीन की। अब बारी है पिछले सत्र की कक्षा तीन की। फर्स्ट पोजीशन गोज टू हरिओम यादव, फादर्स नेम विनोद यादव। सेकेंड पोजीशन गोज टू मोहम्मद साकिब, फादर्स नेम मोहम्मद असलम। जोरदार तालियां। अब बारी है पिछले वर्ष की कक्षा तीन की। फर्स्ट पोजीशन गोज टू अलीशा, फादर्स नेम शमीर। सेकेंड पोजीशन गोज टू आलिया, फादर्स नेम अफजाल। फादर्स नेम प्रमोद राम। कृपया करके तालियां बजाते रहिए, तालियों की आवाज आ नहीं रही है। अब बारी है पिछले वर्ष के कक्षा पांच की। फर्स्ट पोजीशन गोज टू आमना, फादर्स नेम मोहम्मद असलम। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। उज्जवल, फादर्स नेम तेजपाल सिंह।
गया है तो मैं बुलाना चाहूंगी कक्षा नर्सरी के मोहम्मद रजा को, फादर्स नेम मोहम्मद मूसा। अब मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वे आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में दो शब्द कहेंगे।